इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना संक्रमण के काल में जिस तरीके से पिछले लगभग 1.5 साल से लॉकडाउन की स्थिति है, सब कुछ ठप सा है लगभग, इसमें कोई अगर विभाग या कोई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है तो वो है शिक्षा का क्षेत्र और शिक्षा विभाग। हमारे सभी शिक्षण संस्थान पिछले 1.25 साल से लगभग बंद हैं, और आप समझ सकते हैं कि अगर शिक्षण संस्थान बंद हैं तो पढ़ाई व्यवस्था, शिक्षण प्रणाली, ये सब बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए हम लोग शिक्षा विभाग की तरफ से एक तरह से तत्पर हैं कि कैसे हम लोग अपने शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलकर छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि हम विद्यालयों को खोलना तो चाहते हैं, लेकिन छात्रों के स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। छात्रों के जान को जोखिम में डाल के हम अपने शिक्षण संस्थानों को नहीं खोलना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग उपयुक्त समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और आज जब कोरोना संक्रमण का द्वितीय चरण, जो पहले चरण से ज़्यादा घातक था, लगभग समाप्ति की ओर है, हालांकि हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, किसी समय की स्थिति भयावह हो जाती है, तीसरे दौर की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी जो सरकार ने निर्णय लिया है 6 जुलाई तक इस जो अनलॉक का फेज है उसके बारे में गाइडलाइन जारी किया है, हम समझते हैं कि स्थिति जिस गति से अभी सुधर रही है उसी गति से सुधार बरकरार रहा तो 6 जुलाई के बाद धीरे धीरे आम जनजीवन सामान्य होने की तरफ बढ़ चलेगा। वैसे स्थिति में हम लोगों के विभाग की मानना है, या हम लोग के विभाग का मानना है कि हमारे संस्थान खुले, और स्वाभाविक रूप से जब हमारे संस्थान खुलेंगे और जिस परिप्रेक्ष्य में खुलेंगे तो हमें इसको चरणबद्ध तरीके से खोलना पड़ेगा। प्रथम चरण में हम लोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को खोलेंगे, फिर द्वितीय चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को खोलेंगे, फिर तीसरे चरण में प्राथमिक और मध्य विद्यालय को खोलेंगे। तो इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम विद्यालयों को खोलना चाहते हैं, और स्वाभाविक रूप से उस समय की, तत्समय जो कोरोना संक्रमण की स्थिति रहेगी या कोरोना संक्रमण से एहतियात बरतने के लिए जो भी गाइडलाइन, दिशा निर्देश केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे, हम उन सबों का पूरी सख्ती से पालन करेंगे। चाहे दूरी की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, हम लोग सब प्रोटोकॉल को मानते हुए, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमारे शिक्षण संस्थान खुले, लेकिन उस समय जो स्थिति होगी उसके आकलन के बाद ही कुछ अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सकता है। इसीलिए हमने कहा है कि 6 जुलाई के बाद एक तिथि निश्चित करके, एक तिथि मुकर्रर करके हम लोग अपने शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलना चाहते हैं। उसके पहले बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो तो आप लोगों ने दूरदर्शन से टाई अप किया है यूनिसेफ के माध्यम से, और कक्षा 1 से लेकर के 5 तक दूरदर्शन से पढ़ाई की शुरुआत की है, ऐसे आप लोगों ने? हाँ, वो एक अच्छी पहल है, हम लोगों ने शुरू की है दूरदर्शन से और यूनिसेफ से, चूँकि अभी लगातार हमारे विद्यालय बंद हैं,
आप समझ सकते हैं कि माध्यमिक या हायर एजुकेशन मैंने महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के हमारे छात्र जिनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा होती है वो लोग तो अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक और सजग भी रहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में पढ़ाई के प्रति वो सजगता नहीं रहती है। वो को तो खेलने कूदने की उम्र होती है, वो तो विद्यालय जाते हैं तब पढ़ने लिखने की मानसिकता और मानसिक अनुशासन बनता है उनके मस्तिष्क में, वो हो नहीं पा रहा है। हम लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जो विद्यालय खुलने पर हमारे बच्चे विद्यालय जाके अपने अध्यापकों से सीखते हैं उसका विकल्प ऑनलाइन या दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई नहीं हो सकता है। ये तो मजबूरी में, जिसको कहते हैं नहीं के बदले कुछ हाँ, हम लोग उस तौर से एक प्रयास ये कर रहे हैं जिसमें दूरदर्शन से संपर्क करके हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम है और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने ये 1 से 5 तक रखा है। और आपको पता ही है हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक ई लॉट्स जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जिसमें 12वीं तक के पाठ्यक्रम के सभी विषयों के पाठ्य पुस्तकों ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब वो नेट पे उपलब्ध है। कोई छात्र 12वीं तक का छात्र उस साइट पर जाके किसी विषय की पूरी किताब खोल के पढ़ सकता है, ये भी हम लोगों ने सुविधा दी है। दूसरी ओर हम इस स्थिति से भी सजग हैं कि खास के बिहार में जो गरीबी है या हमारे देहाती क्षेत्रों में जो डिजिटल डिवाइड जिसको कहते हैं, गरीब लोगों में जिस ढंग से इस डिजिटल दुनिया से वाकफियत नहीं है, तो हमारे बच्चे उस वर्ग के बच्चे इसका पूरा लाभ नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम दूरदर्शन से पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में न दूरदर्शन है न स्मार्टफोन है, तो वो तो फिर वंचित ही रह जा रहे हैं। तो ये सरकार के संज्ञान में है और हम लोग ये भी कोशिश करें कि जब से हम लोग विद्यालय शुरू करेंगे तो ये पीछे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे करें, चाहे तो एक्स्ट्रा क्लास लेके हो या फिर कैचअप कोर्स करके हो या एडिशनल अतिरिक्त, तो उसके लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम लोगों की कोशिश होगी कि हम बच्चों को कम से कम विद्यालय बंद रहे उसमें पढ़ाई को जो नुकसान हुआ है आने वाले समय में कुछ अतिरिक्त कक्षाएं या समय का प्रबंध करके क्षतिपूर्ति की कोशिश करें।